भैया विनायक विहार में दो तीन प्लानिंग तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। एक प्लानिंग और है जो आज बता देता हूँ। कॉर्नर का मकान है, बहुत ही प्यारा है। और ये हमारे सुनील भैया, भैया सर्च कर लेना इनको भी, सुनील किराड़े के नाम से पता चल जाएगा कौन है, ठीक है। जय श्री महाकाल, मैं विकास परमार स्वागत करता हूँ एक बार और आपको इसी चैनल पर और इसी कंटेंट के साथ, क्योंकि भैया अपन को तो पता ही क्या करते हैं, ठीक है। कॉर्नर की है अंडर कंस्ट्रक्शन भी मकान है, और लोकेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से देखो पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है। सिर्फ यही पार्ट है विनायक विहार का जो कि अभी अभी इसमें मकान बनना स्टार्ट हुए हैं, और बनने के बाद भी इतना समय हो गया कि बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ये भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि इतना जल्दी कोई डेवलप नहीं हुआ। पहले मैंने बताया था आपको तिरुपति ड्रीम्स का सी ब्लॉक को सामने वाला, मैंने सिर्फ दो या तीन मकान बताए थे उस समय, उसमें जब काम चल रहा था। और आज की कंडीशन ये है कि वहाँ पर प्लॉट भी अवेलेबल नहीं है। जैसे उसके पास में उस समय इस कॉलोनी का काम चल रहा था, मतलब रोड नाली बन रही थी। और आज ये है कि भैया मकान भी बन चुके हैं और रोड भी बड़े चौड़े चौड़े रोड हैं। ये कॉर्नर का मकान अभी चल रहा है, पूर्वमुखी का मकान है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल के देखते हैं। और ये भी हमारे मरमट जी की ही प्लानिंग है, इसमें तो इसका जो फ्रंट होने वाला है वो फ्रंट एलिवेशन में मैं आपको दिखा दूंगा साइड में कि कैसा दिखेगा। ये सबसे पहले यहाँ पर बढ़िया सी बालकनी हो जाएगी, यहाँ पे स्टेप जो स्टेप वाला जो चढ़ाव होता है वो बन जाएगा और सीधे छत पर चले जाएंगे। फ्रंट में किचन है क्योंकि ये अपना पश्चिममुखी मकान है और पश्चिममुखी में अग्निकोण के हिसाब से किचन बेस्ट लोकेशन पे। ये पूरब है ना? हाँ ये पूरब है, सॉरी पूरब मुखी है तो अग्निकोण तो आई है, तो कोई दिक्कत नहीं। ईशान कोण में, हाँ अग्निकोण में। और जैसे ही अपन एंट्री करते हैं भैया, तो ये हॉल की साइज़ भी बढ़िया होने वाली, कॉर्नर की वजह से यहाँ पर जो है विंडो बढ़िया से देखने को मिल जाएगी। 2 BHK का प्लान है, एक बेडरूम ये रहा, इसमें भी बढ़िया से विंडो, वेंटिलेशन, ऊपर तान वगैरह सब बनेगा। जब बनेगा ना, मैं इसीलिए दो तरह के मकान के वीडियो बनाता हूँ क्या, क्योंकि पहले भी आपको पता है कि मैं जो भी मकान बनाया भैया मैंने, अधिकतर दो तरह के बनाता है। एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन, ताकि जो लोग देखे कि यार कंस्ट्रक्शन क्या क्वालिटी का पता चले, क्योंकि अपन क्या सीधा ले जाके लिपापोती वाला बताते हैं तो वो लोग बोलते हैं यार कि क्या यार इसका कुछ बेस बताओ, तो बेस के तौर पे ये वाले वीडियो शेयर करता हूँ मैं उनको कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन देख लो, उसके बाद अगर जमे तो आप आ जाओ। जैसे कि बताया मैंने, कुछ सीलन के लिए आजकल कुछ नई टेक्निक का यूज़ किया है, नई टेक्निक तो नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन क्या है कि अब यूज़ करने चालू हो गए। देखो नीचे जो है फ्लाई ऐश ब्रिक है और ऊपर ईंट है, क्योंकि ये दो रद्दे जो है नीचे, ये सीलन दीवार में ऊपर तक नहीं जाने देते। और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में जो ठेकेदार या बिल्डर होते हैं वो सीधा के सीधा, एक तो क्या होता है कि जो ब्रिक होती है ये बी क्लास यूज़ कर लेते हैं, और तो उस वजह से सीलन बहुत आती है। सीलन मतलब दीवार पे कलर का वो फपून टाइप हो जाना, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये वाली ब्रिक का उपयोग किया। पूरे के पूरे मकान में ये देखो दो रद्दे हैं पूरे मकान में लगे हुए हैं, इससे क्या है कि ये पानी कम सोखती है, तो ये सिर्फ अपना पानी यहीं तक छोड़ देगी और ऊपर दीवार पे सीलन नहीं जाने देगी। तो सीलन का लिए एक रामबाण इलाज है। तो ये आप पहला बेडरूम, ये यहाँ पर दूसरे बेडरूम में यहाँ पर विंडो आ जाएगी, यहाँ पर OTS बन जाएगा, तो क्या है कि पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। ये पीछे एक अटैच टॉयलेट है, इसमें भंडारा बन जाएगा, और इसमें भी एक सिंगल तान दे रखी है। ये यहाँ पर कॉमन टॉयलेट हो जाएगा, और ये अपना यहाँ पर एक बढ़िया सा किचन बन जाएगा। अग्निकोण में किचन है, बढ़िया से विंडो हो गई और ऊपर गैप छोड़ गई, चिमनी वमनी लगाओ और सीधा जो भी धूल नमाजा बाहर करो। भैया क्या साइज़ है इसकी? इसकी साइज़ है 24x35। 24x35 पूर्व मुखी, मतलब दक्षिण, हाँ उत्तर पूर्व का कॉर्नर, उत्तर पूर्व का कॉर्नर है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और क्या डिमांड है? डिमांड इसकी अपन ने रखी अभी 48 लाख रुपये। 48 लाख रुपये भैया, बहुत ही प्यारी है, कोई ज़्यादा नहीं है, और देखते देखते 48 से 50-52 कब हो जाएगी कोई भरोसा नहीं। जितना जल्दी हो सके आके देख लें, विजिट कर लें, लोकेशन देख लें, समझ लें, और भैया जितना जल्दी हो सके बुक कर लें, ठीक है। जय श्री महाकाल।